जय जगन्नाथ। आध्यात्मिक क्रांति कार्य आह्वान सत्य दर्शन रो पंचम विभाग विविध प्रसंग को आपण मानको हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी दर्शक बंधु, माँ तुलसी देवी बा तुलसी वृक्षर महात्म्य विषय रे कौन बा कहा जाय परिबो, जेते कहिले भी निश्चय कम हेब। कारण तुलसी नामर अर्थ ही सूचाई देउची, जहार तुलना नाही ताही तुलसी। प्रथमे असंतु माँ तुलसी देवी को परिचय विषय रे जानिबा। देवता मानकु राक्षस माने नाना प्रकार दुख कष्ट देउथिले, सही दुख कष्ट रु उद्धार पाइबा पई अमृत संधानी देवगण एक योजना प्रस्तुत करी असुर मानक सहयोग रे समुद्र मंथन कार्य आरंभ कले। जहिरु देवता माने अमृत प्राप्त हेले, अमृत पान करी अति आनंद रे देवता मानक आखिरु आनंदर अश्रु निर्गत हेला। सेही अश्रु जेउठारे पड़िला सेथिरु उत्पन्न हेला उद्भिद जगतर सबुठारु लाभदायक वनस्पति तुलसी। तुलसीर उत्पत्ति विषय रे एमिति नाना प्रकार कथा आमर पुराण शास्त्र रे वर्णित होईछि। अन्यत्र कुहा जायछि समुद्र मंथन समय रे जेते सबु द्रव्य औषध और रस आदि बाहरी थिला ता पूर्वरु अर्थात सर्वप्रथमे भगवान विष्णु समस्त प्राणीकर मंगल निमित्त तुलसी वृक्ष को उत्पन्न कले। एही सबु पुराण कहानी जा हेउना काहेकि तुलसी वृक्षर महिमा को कदापि कहारी सहित तुलना करा जाई परिबो नाही। तुलसी महात्म्य संबंध रे पुराण रे उल्लेख रहिछि, प्रथमे भगवान श्रीकृष्ण द्वारा तुलसी महात्म्य ओ गो महात्म्य गिरी गोवर्धन धारण समय रे प्रचारित होइथिला। भगवान श्रीकृष्ण जगत रे जेते पदार्थ अछि ता मध्यरु तुलसी गो दुग्ध को श्रेष्ठ बोली मत पोषण करिथिले। आउ मध्य भगवान विष्णु सती वृंदावती अर्थात तुलसी को निज मस्तक रे धारण करिवार आलंकारिक वर्णना विषय रे पुराण रे कहा जायछि। तुलसी को महिमा संपर्क रे आहुरी अनेक कथा सुनिबा को मिले। दिने आचार्य चरक को तांकर जने शिष्य पचारिले, मृत्यु समय रे जदि आपणक सम्मुख रे भगवान प्रकट होई आपणो किछि बर देबा को कहिबे तेबे आपण भगवान को की बर मागिबे? आचार्य चरक उत्तर देले, आउ एक नुआ जन्म, जो जन्म रे मु घरे घरे जाई लोकंक द्वारा तुलसी वृक्ष लगाइबी एवं समग्र विश्व रे हजार हजार तुलसी उद्यान स्थापन करिबी। एही पुण्य भली अन्य कौनसी जस बा गौरव अधिक बड़ होई न पारे। महर्षि चरकंकर एही कथारु तुलसीर महत्व केते ताहा स्पष्ट जना पडुछि। थरे डॉक्टर पार्कर भारत भ्रमण करी स्वदेश को फेरिला परे जने सांबादिक तांको प्रश्न कले, भारतर केउ वस्तु आपणकु सबुठारु अधिक प्रभावित करिछि? पार्कर उत्तर देले, तुलसी। खाली कथारे नुहे ताकु मु प्रयोग करी देखिछि, ता भली लाभदायक वनस्पति पृथ्वी रे नाही। अवश्य एही तुलसी वृक्ष भारत समेत आफ्रिका महादेश रे मध्य बहुल भावरे देखा जाए। एहा छोड़ा पश्चिम एशिया देश बांग्लादेश मालय ऑस्ट्रेलिया अरब पाकिस्तान प्रभृति देश मानकर मध्य एही तुलसी वृक्ष देखा जाए। प्रिय दर्शक बंधु, तुलसी एमिति एक वृक्ष जहार पंचांग अर्थात चेर डाल पत्र मंजरी ओ मंजी समस्त ही पवित्र ओ गुणकारी, एमित कि तुलसी मूलर माटी मध्य पवित्र। वैज्ञानिक माने परीक्षा करी देखिछंती कि एही वृक्ष जेउठारे थाए से स्थानरु 600 वर्ग फुट परिसीमा मध्य रे जखमा ओ मैलेरिया रोगर जीवाणु रही परंती नाही। औषधीय गुण दृष्टिरु जे खाली तुलसीर सेवन करिबा ता नुहे, तुलसी पूजन करिबा द्वारा मध्य बहु शुभ ओ पुण्य फल प्राप्ति होइथाय बोली शास्त्र रे कहा जायछि। एही हेतु केउ अनादि कालरु तुलसीर महात्म्य को उपलब्धि करी आमर पूर्वपुरुष माने तुलसी पूजा करि आसुछंती। एथिपाई प्रत्येक हिंदू घरर अगणारे एवं देवालय मानकरे तुलसी वृक्ष माँ वृंदावती बा चौरा रूपरे पूजा पाइथाय। तुलसीर महात्म्य विषय रे एही छोट भिडियो रे तो आलोचना करिबा संभव नुहे, आमे केवल आजिर भिडियो रे जानिबा तुलसी पूजा बा वृंदावती पूजार विधि संपर्क रे। तेबे आसंतु जानिबा तुलसी बा माँ वृंदावती पूजा नियम। प्रिय सज्जन,
ପ୍ରଥମେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବା ତୁଳସୀ ଚଉରା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛି, ତାହା ତ ପୂଜାବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ନୂଆ ଜାଗା କିଣି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ହିଁ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭାବରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହର ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କର ପୂଜା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୃହର ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଅଗଣାରେ ଗୃହର ଡାହାଣ ଭାଗରେ ବା ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବାମ ଭାଗରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୃହର ଅଗଣା ନଥିଲେ ବା ଅଗଣାରେ ଚଉରା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲେ, ଯଦି ଛାତ ଘର ଥାଏ ତେବେ ଛାତ ଉପରେ ଛାତର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତୁଳସୀ ଚଉରାର ମୁଖ ସର୍ବଦା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ହେବା ଉଚିତ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ବା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 2.5 ହାତ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ନିଜର ହୃଦୟ ସିଧାରେ ରହୁଥିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଅତି କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ଚଉରା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଠିଆ ହୋଇ ପୂଜା ନ କରି ବସିକରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରହି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବକାଳରୁ ମାଟିର ଚଉରା ତିଆରି କରି ତାହାରି ଉପରେ ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡ଼ୁଆରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ, ମାଟି ଚଉରା ହିଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଆଜିକାଲି ମାଟି ବଦଳରେ ସିମେଣ୍ଟ ଚଉରା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଏହା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଳନୀୟ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ଚଉରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଘରେ ପୁରୁଣା ଚଉରା କାଳକ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଚଉରା ତିଆରି କରି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତୁରେ ରହୁଥିଲେ ଭାଇ ଭାଗ କରି ଘରକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଭାଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଚଉରାରେ ସବୁ ଭାଇଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ, ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଚକଡ଼ା ବାସ୍ତୁରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚଉରା ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭିନ୍ନେ ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ର ନିଜର ଭାଗ ଜାଗାରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ତାହା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବା ଚଉରା ଆକାରରେ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ତ ତୁଳସୀ ଚଉରା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଗୃହ ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଏକାଧିକ ତୁଳସୀ ଚଉରା ରହେ ନାହିଁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ବା ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏହି ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ନାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୃହରେ ପୂଜାପାଠ ଓଷା ବ୍ରତ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଘରର ସଧବା ନାରୀମାନେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିସରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧୋଇଦେଇ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଯାଇ ଗୃହର ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ନେଉଥିବା ଜଳକୁ ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା କଂସାଢାଳ ବା ଗଡ଼ୁରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଜଳରେ ନିଜର ହସ୍ତ ବା ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଦି ବୁଡ଼େଇବା ଅନୁଚିତ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛରେ ଫୁଲ ନ ଦେଇ ଚଉରା ଦେହରେ ଫୁଲ ଦେଇ ସଜାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବାରଣ କରାଯାଏ। ପୂଜା କଲାବେଳେ ଦୁଇ ପାଦ ଯୋଡ଼ି ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବା ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବମୁଖା ବା ଉତ୍ତରମୁଖା ହୋଇ ପୂଜାଦି କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିବେ ତେବେ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ନାମ ନେଇ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତୁଳସୀର ଅଷ୍ଟନାମ ହେଲା ବୃନ୍ଦା, ବୃନ୍ଦାବନୀ, ବିଶ୍ୱପୂଜିତା, ବିଶ୍ୱପାବନୀ, ପୁଷ୍ପସାରା, ନନ୍ଦିନୀ, ତୁଳସୀ ଓ କୃଷ୍ଣ ଜୀବନୀ। ତୁଳସୀ ବା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମନ୍ତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସର୍ବଦେବଦେବୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରବିଧାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରାଯିବ, ସେଇଥିରୁ ତୁଳସୀ ପୂଜାର ମନ୍ତ୍ର ପାଇପାରିବେ। ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜା କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ପୂଜା କଲେ କେବଳ ଧୂପ ଆଦି ଦ୍ୱାରା
पूजा करिपरिबे। दीप जाळिला बेले दीप को तळे रखिबा निषेध। एथिपई दीप को अरुआ चाउल, कदळी पत्र, अश्वत्थ पत्र, मंदार पत्र ओ पान पत्र आदि रखी ता उपरे दीप को रखी जाळिबा उचित एवं दीप को पूर्व किंबा उत्तर मुखा करी जाळिबा आवश्यक। दीप जाळिबा बेले सबुबेले नुआ माटी दीप जाळिबा उचित, नचेत पीतळ किंबा तंबार दीप जाळिबा आवश्यक। तुलसी वृक्षमूल अर्थात कुड़ुआ मूर्तिकारे धूपबत्ती जलाई पोतिबा अनुचित। धूपबत्ती जाळिले धूपदानी धूपकाठी दे चौरा निकटरे रखिबे। एथिसहित झुणा बा कर्पूर आळती मध्य करिपरिबे। तुलसी चौरा पूजा करिबा समय रे चौरा चारिपटे चारिथर परिक्रमा करी चारिथर जल देबा आवश्यक। जानि रखंतु तीन थर वृक्षमूल जल देबा परे चतुर्थ थर तुलसी वृक्षर मूलरु अग्रभाग पर्यंत जलधारा ढालिबा उचित। जेउ मानकर वृंदावती चारिपटे बुलिबा पई सुविधा नथिबो सेमाने केवल चारिथर जल यथाविधि देइपरिबे। मन रखिबे जल पात्र को दुई हाथ रे धरी जल देबा उचित। तुलसी वृक्ष रे ढालुथिबा जल बा तुलसी स्नान जल को पादुक रूपे पान करिबा उचित। तुलसी पूजा करि सारिबा परे तुलसी मूल मूर्तिका को निज मथारे तिलक भली लगाइबे। जेउ माने नियमित तुलसी पूजा करंती सेमाने अशौच समय रे लौकिक पूजा नकरि पारिले तुलसी देवी को मानसी पूजा करिपरिबे। एही मानसी पूजा विषय रे परवर्ती समय रे वीडियो अपलोड करा जिवो देखिपरिबे। तुलसी चौरा को कार्तिक मास रे सधवा नारी बेश रे सजाई अर्थात नाली छिट शंखा सिंदूर आदि दे पूजा करिवा विधेय। अन्य समय रे केवल सिंदूर चंदन तिलक आदि सहित पुष्प धूपदीप और नैवेद्य आदि रे पूजा करिपरिबे। चंदन देला बेले तुलसी पत्र रे चंदन न लगेबा उचित। मार्गशीर मास रे तुलसी चौरा रे नुआ धानर बेंटी प्रदान करी पूजा करिबा उचित। कार्तिक मास रे वृंदावतींकर पूजार स्वतंत्र महात्म्य रहिछि। एही मासव्यापी तुलसी पूजा करिबा उचित। जदि एहा मासव्यापी संभव हेउ नाही तेबे कार्तिक पंचुक रे पांच दिन व्यापी विधि मुताबक पूजा करिबा उचित। दश महाविद्या रे तुलसी हेउछन्ति मा त्रिपुरा सुंदरी एवं बुद्ध महाग्रहंकर अधिष्ठात्री देवी। देवी भागवत रे उल्लेख रहिछि कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार दिन तुलसी देवी धराधाम रे प्रकट होइथिले। तेणु कार्तिक मास रे तुलसी पूजा को गुरुत्व देबा उचित। जदि नुआ तुलसी वृक्ष लगेबार थाए तेबे एही कार्तिक मास शुक्लपक्ष गुरुवार किंबा शुक्रवार दिन दिवस रे लगाइले शुभ होइथाए। जदि अन्य समय रे तुलसी वृक्ष लगेबाकु पड़े तेबे शुक्लपक्ष गुरुवार रे लगाइले शुभ होइथाए। मन रखिबे अन्य स्थानरु तुलसी वृक्ष उपाड़ी आनी निज बाड़ी रे बा वृंदावती चौरा रे लगेबाकु हेले तुलसी वृक्ष उपाड़ीबा पूर्वरु सेही वृक्ष को यथाविधि रे पूजा धूप ओ नैवेद्य समर्पण करी एवं श्री विष्णु को मंत्र बा नाम उच्चारण करी दक्षिण हस्त रे मूल मूर्तिका सहित उपाड़ीबा उचित। ध्यान देबे उक्त तुलसी वृक्ष छोट होइथिबा आवश्यक। गृहर ऐशान्य कोण रे अर्थात निज अगणारे बा बाड़ीरे उत्तर पूर्व कोणरे तुलसी वृक्ष लगाइबा उचित। घरर प्रत्येक सदस्य माँ वृंदावती को प्रतिदिन प्रणाम करिबा उचित। गृहरु केही बाहर को गला बेले बा कोनोसी शुभकर्म करिबा पई यात्रा करिबा समय रे माँ वृंदावती को पूजा करी प्रणाम करी जिबा उचित। किंबा घर को फेरिले प्रथमे माँ वृंदावती को प्रणाम करी गृह भीतर को प्रवेश करिबा उचित। कौनसी ब्राह्मण द्वारा निज गृहर वृंदावती बा गृह इष्ट देवदेवी पूजा करिबा अनुचित। एमितिकि निज परिवार व्यतीत अन्य केही एहा पूजा करिबा उचित नुहे। केवल प्रथमे गृहर इष्ट देवदेवी बा वृंदावती प्रतिष्ठा समय रे ब्राह्मण द्वारा प्रतिष्ठा कराई परिबे किंतु अन्य सबु समय रे निज परिवार सदस्य पूजा करिबा उचित। विभिन्न प्रकार तुलसी वृक्ष देखा जाए कृष्ण तुलसी, शेत तुलसी, गंध तुलसी, बिल्वगंध तुलसी, क्षुद्रपत्र तुलसी, बर्बरी तुलसी, मरुबक तुलसी, गंगा तुलसी ओ बण तुलसी इत्यादि। मन रखिबे चौरा रे लगाउथिबा बा औषध पई लगाउथिबा तुलसी कृष्ण तुलसी बा कोला तुलसी होइथिबा आवश्यक। कारण कोला तुलसी अन्य तुलसी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट बा गुणकारी। आयुर्वेद मतरे तुलसी सर्वरोग नाशक। तुलसी वृक्ष मूलरे ब्रह्मा, डाळरे विष्णु ओ मंजरी बा जटारे महेश्वर निवास करंती बोली शास्त्र कहे। अन्यत्र
तुलसी मूलरे गंगा डाळरे विष्णु ओ पत्ररे सर्वदेवता बास करंती बोली कुहा जाए। आउ मध्य तुलसी मूलरे सर्वतीर्थ डाळरे सर्वदेवता एवं पत्ररे सर्वयज्ञ विद्यमान बोली भिन्न मत रही। तुलसी स्नान जल को निज उपरे तुलसी मंजरी द्वारा बा उस घास द्वारा सिंचन करिबा मंगलप्रद। यहा द्वारा सर्वतीर्थ स्नान फल एवं लक्षे अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्ति होइथाय। एही जल को निजर वास्तु मध्यरे नियमित सिंचन कले वास्तु दोष मध्य दूर हेबा सहित परिवारर अशेष मंगल होइथाय। जदि त्रिसंध्या अर्थात प्रातः मध्यान ओ संध्या कालरे तुलसी सेवन करा जाए तेबे मनुष्यर एते शुद्धता आसी जाए जे बहुबार चंद्रायण व्रत कले मध्य से भली फल मिली नथाय। तुलसी पत्र बदलरे तुलसीर मूल डाळ किंबा काठी आदि व्यवहार करिपरिबे, नचेत तुलसी मूल मूर्तिका मध्य व्यवहार करिपरिबे। सथवा नारी माने मथरे ओढ़णा देई एवं पुरुष माने कांधरे गामुछा आदि पकाई तुलसी पूजा करिबा उचित, किंतु कला रंगर वस्त्र पिंधि पूजा करिबा उचित नुहे। नारी माने केशमुकुला करी वृंदावती पूजा करिबा अनुचित। आमिष खाई तुलसी वृक्ष स्पर्श करिबा पूजा करिबा किंबा पत्र तोलिबा अनुचित। ऋतुमती नारी दुष्टा नारी व्यभिचारिणी नारी माने तुलसी पूजा करिबा अनुचित। तुलसी को जल अर्पण करिबा बेले निज हस्तरे सुना रूपा अथवा तंबार मुदि रहिबा आवश्यक। खाली हस्तरे जल अर्पण करिबा अनुचित। कोनोसी कारणरु तुलसी वृक्ष सुखी गले अशुभ होइथाय। एमिति क्षेत्र रे पुरुणा वृक्ष को जलरे विसर्जन करी नूतन वृक्ष नियमानुजायी लगैबा उचित। जदि नुआ वृक्ष लगैबा विलंब हुए तेबे सही चौरा रे हलदिया धळा किंबा नाली रंगर पतका उड़ाई पूजा करि परिबे। तुलसी चौरा रे लगा जाउथिबा तुलसी वृक्ष रु औषध पई हेउ बा पूजा पई हेउ पत्र बा जटा आदि तोळीबा अनुचित। एथि पई बाड़ी रे अलगा तुलसी वृक्ष लगैबा आवश्यक। विवाहिता नारी अर्थात सधवा नारी तुलसी मंजरी तोळीबा उचित नुहे। रविवार दिन तुलसी स्पर्श करिबा एवं तुलसी वृक्ष उपरे बा पत्ररे जलधारा ढालिबा अनुचित। एही दिन जदि जल दिया जाए तेबे सीधा वृक्ष उपरे जल न ढाली वृक्ष मूल को छाड़ी दूरेई कि जल देई परिबे, मात्र गच्छ को छुइबा निषेध। तुलसी पत्र तोळीबा संपर्क रे केतक विधि निषेध रहिछि। ब्रह्मवैवर्त पुराण मतरे रविवार एकादशी द्वादशी अमावास्या पूर्णिमा महाविशुभ संक्रांति प्रातः मध्यान ओ संध्या समय कालरात्रि समय अशौच समय तेल लगाई स्नान नकरी एवं रात्र पिंधा लुगा न बदलाई तुलसी पत्र तोळीबा निषेध। अन्य मतरे मंगलवार शुक्रवार ओ सप्तमी तिथिरे मध्य तुलसी पत्र चयन को बारण करा जायछि। जेउ माने एही नियम लंघन करंती सेमाने श्रीहरिंकर मस्तक छेदन करंती बोली बुझिबाकु हेबो। श्राद्ध व्रत दान प्रतिष्ठा तथा देवार्चना निमन्ते तुलसी बासी हेले मध्य तोळीबार तीन दिन पर्यंत पवित्र रहे बोली कुहा जाए। अन्य मतरे तुलसी एगार दिन पर्यंत बासी होइ नथाय बोली कुहा जाए। घर बा कुटुंबरे अशौच पालन बा सूतक ओ मूर्तक पालन समय रे तुलसी चौरा पूजा करिबा निषेध। अशौच शेष हला परे वृंदावती को यथाविधि शौच पूर्वक पूर्वपरि पूजा आरंभ करिबा उचित। श्री विष्णुंकर पूजा निमित्त तुलसी पत्र तोळीबा समय रे जटामिसा तुलसी पत्र तोळीबा उचित। ध्यान रखिबे सही जटा सहित तीनोटी पत्र रहिथिबा आवश्यक। तुलसी तोळी सारी हातरे तुलसी को धरी ठाकुरंक पाखुकु बा पूजा स्थल को नेबा उचित नुहे। कौनसी पात्र बा फूल चांगुड़ी रे नेबा उचित। तुलसी पत्र चयन करिबा समय रे नमस्कार पूर्वक मंत्रोच्चारण करिबा उचित। जदि मंत्र जणा नथाय तेबे भगवान विष्णुंकर नाम उच्चारण करी पत्र तोळी परिबे किंबा ओम विष्णुवे नमः उच्चारण करी पत्र तोळीबा उचित। तुलसी पूजा परे दुईटी पत्र तोळी गंगा जल सहित सेवन करिबे। अन्य मतरे पांचटी पत्र सेवन करिबा कथा कुहा जायछि। मने रखिबे तुलसी चयन करिबा अर्थात तोळीबा समय रे जेपरी नख न लागे एवं सेवन करिबा समय रे जेपरी दांत न लागे सेथि प्रति दृष्टि देबे। तुलसी पत्र को पानी सहित गिली देबा उचित, किंतु दांतरे चोबाइबा अनुचित।
नियमित एहि उपाय रे तुलसी सेवन करूथिले अशेष पुण्य मिलिथाय एवं थंडा सर्दी भली रोग ओ बहुविध समस्या दूर होइथाय। किंतु सबबेले मने रखिबे तुलसी पत्र को कदापि क्षीर सहित मिसाई सेवन करिबे नाही। बारण करा जायथिबा दिन रे तुलसी पत्र आदौ तोळिबा उचित नै, किंतु एही दिन जदि तुलसी पत्र आदि व्यवहार करिबाकु थाए पूर्व दिनरु तोळि रखिबा उचित, किंबा तुलसीर झड़ा पत्र को जलरे धोई पूजा रे लगाई परिबे। भूपतित ओ जलरे पड़िथिबा किंबा विष्णु को अर्पण करा जायथिबा तुलसी पत्र को धोई देबा द्वारा ताहा अन्य कार्य पई शुद्ध बोली मानि निया जाय। प्रिय दर्शक बंधु, आज कार्यक्रम एठारे विराम दउची, पुनी साक्षात हेबो आउ एक नुआ अध्याय से पर्यंत विदाय नउची। नमस्ते, जय जगन्नाथ।